हेलो फ्रेंड्स, ये हमारे पास सोनी का 32 इंच टीवी है और ये देखिए ये हमारे पास एंगल वाला वॉल माउंटिंग स्टैंड है। तो देखते हैं इसको कैसे लगाना है। ये आपको ऑनलाइन 300 से लेकर 500 रुपए के बीच पड़ेगा। ये आपको नीचे वीडियो के लिंक से मिल जाएगा ऑनलाइन। तो सबसे पहले जो है हम ये जो हमारे साथ टीवी का जो डिफॉल्ट वॉल माउंटिंग स्टैंड आया है उसको हम निकाल रहे हैं। तो एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से निकालना है। तो आप हमारी दी हुई वीडियो के नीचे जो है हम स्क्रू ड्राइवर का भी लिंक डाल देंगे। जस्ट ये हमने खोल दिया और अब जो है ये हमने टाइट करना है। तो देखते हैं, तो इसमें जो है थोड़ा सा ये टाइट होता है स्टार्टिंग में, तो थोड़ा सा ढीला करना पड़ेगा आपको। तो ये देखिए, ये इसको क्या कहते हैं, एल की क्या कहते इसको, टी हैंडल, टी हैंडल। तो ये थोड़ा सा ढीला कर दिया इन्होंने, क्योंकि ये मतलब बॉक्स में फिट करने के लिए इसको बहुत टाइट रखा होता है। और अब जो है ये देखिए कैसे आपने जो इसके टीवी के अंदर चार पहले से होल्स हैं उससे मैचिंग करानी है। ये देखिए मैच हो गया लगभग और ये टाइट कर देंगे। तो बहुत आसान है, सिंपल है। जस्ट दीवार में ड्रिल करके जो इनका जो स्टैंड होता है प्रॉपर आपने लगाना होता है, पूरी तरह से पैमाइश कर मेजरमेंट कर। तो ये आप देखिए, तो हम नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर की मदद से टाइट कर रहे हैं। कौन सा स्टैंड लगाना चाहते हो, यानी कि सिंपल वॉल माउंटिंग या ये एंगल वाला, तो कोई भी आप लगा सकते हैं। तो क्योंकि हमारा जो एरिया है वो कॉर्नर में है तो वॉल माउंटिंग पॉसिबल नहीं था, तो हमें जो है एंगल वाला स्टैंड लगवाना पड़ रहा है। तो ये प्रॉपर टाइट करना है ताकि आपका जो ये टीवी है वो लूज ना हो जाए, गिर ना जाए। और अब जो है ये थोड़ा सा ढीला कर रहे हैं इनको, टी हैंडल क्या कहते हैं, टी हैंडल थोड़ा सा ढीला करने के बाद जो है दीवार में जो है हमारा ये हिस्सा लगेगा। तो पहले तो काफी चौड़ा होता था, ये थोड़ा डिजाइन अलग आ गया क्या? अच्छा, ये थोड़ा सा अगर किनारे पे बिल्कुल ही नहीं करना, थोड़ा और ऊंचा कर दो ऊपर ये स्टैंड को। तो हम जो है एडजस्ट करें कि कहाँ पर हमने लगाना है। हम जो है देख रहे हैं कि कहाँ पर हमने फिटिंग करनी है, तो वहाँ पर हम ड्रिल कर रहे हैं। तो सबसे पहले मार्किंग करनी है कि हमें कहाँ कहाँ ड्रिल करना है। तो फ्रेंड ये अब हम ड्रिल करें। चार आपने छेद करने हैं, तो चार जो है ड्रिल मशीन का भी लिंक डाल देंगे, तो आप ऑनलाइन ड्रिल भी मंगवा सकते हैं। ये जो स्क्रू है इसके साथ ही आए, तो ये हम गिट्टी ठोक रहे हैं। तो चार गिट्टी जो हमने छेद किए हैं, तो और ये देखिए काफी अच्छे स्क्रू आए हैं, मजबूत आए हैं कि आपका टीवी सेफ रहे। तो इन्होंने जैसे टीवी उठा लिया और फिर टीवी फिक्स करने के बाद जो है ड्रिल किया और फिर स्टैंड लगाया। तो कई लोग जो क्या करते हैं कि पहले स्टैंड लगा देते हैं और फिर टीवी लगाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कौन सा तरीका आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आसान लग रहा है। तो होता क्या है कि अब जो है हमें प्रॉपर पता चल रहा है कि हमारा टीवी कहाँ और किस डायरेक्शन में किस एंगल में जाएगा। और आप ये देखिए, तो ये हम ये कौन सी चाबी है भाई साहब, ये टी हैंडल है, ये 10 नंबर, मतलब 10 नंबर टी हैंडल। और पहले वाला कौन सा था, 13 नंबर। तो हर एक के लिए अलग अलग आएगा क्या? अलग।
तो ये टाइट करें, थोड़ा सा इनको दिक्कत हो रही है। तो इसके अगर आप स्क्रू देखो तो इसके साथ ही आए हैं, ये देखिए कितने बड़े बड़े स्क्रू हैं। खैर मतलब सिर्फ 5 मिनट में जो है हमारी टीवी की फिटिंग हो गई है, मतलब ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पहले स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत हमें लगता था कि बड़ा मुश्किल काम है, बहुत ही साइंटिफिक है, मतलब कुछ, मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे तो सिर्फ दीवार में मार्किंग करनी है कि आपने अपना टीवी कहाँ पर एडजस्ट करना है, कहाँ पर सेट करना है, और उसी हिसाब से दीवार में ड्रिल करना है। और अब जो है जैसे हम ये स्क्रू ढीले हाथ से डालें और फिर टी होल्डर जो भी ये कह रहे हैं और उसको हम टाइट कर दें। तो फ्रेंड्स ये हमने 2 स्क्रू टाइट कर दिए हैं। अभी भी हमारा इसमें वॉल माउंटिंग स्टैंड लगा हुआ है, वो भी हमें हटाना पड़ेगा। तो अपने ध्यान करना है कि आपका जो ये लग रहा है तिरछा ना लग जाए, मतलब तो बिल्कुल सीधा लगाना है आपको, क्योंकि तो एक बार ही फिटिंग होती है। अगर आप थोड़ा सा भी इधर उधर एडजस्टमेंट करेंगे तो फिर आपको दोबारा दीवार में ड्रिल करना पड़ेगा, दीवार में दोबारा छेद करना पड़ेगा, जो कि हमेशा अच्छा नहीं होता, क्योंकि हमारे साथ ऐसा हो चुका है। हमने 2 बार जो है सेटिंग करी है दीवार में, तो सेम दीवार में जो है हमें 4 बार छेद करना पड़ा, और जो है हम तीसरे वाला लगा रहे हैं। जो है ये थोड़ा सा ठोकर करें, फ्रेंड्स आपको जो है अगर आप टीवी खरीदना चाहते हैं तो ऑनलाइन टीवी मिल जाएगा, अगर आप वॉल माउंटिंग स्टैंड लेना चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगा, और ये आप टी होल्डर खरीदना चाहते हैं तो ये भी आपको ऑनलाइन अमेज़न पर मिल जाएगा, हर एक चीज़ आपको मिल जाएगी। तो जस्ट ये हमने तीसरा स्क्रू टाइट कर दिया। और जो है आखिरी स्क्रू, और ये हमारा आखिरी स्टेप है। पहले जो है हम ढीले हाथ से करें और फिर थोड़ी सी हथौड़ी करें, फिर जो है टी होल्डर से, 10 नंबर की टी होल्डर है उसे हम टाइट करें। तो इस तरह से जो है आप अपने घर में खुद ही एंगल वाला वॉल माउंटिंग स्टैंड, 24 इंच से लेकर 40 इंच का स्टैंड आता है मूविंग LED टीवी वॉल माउंट, तो 26 इंच से लेकर 42 इंच का ये स्टैंड आता है, जो कि आपको 300 से लेकर 500 रुपए के बीच मिल जाएगा आसानी से ऑनलाइन। थोड़ा सा एंगल भी टाइट करें, तो अगर इसको हमने एंगल एडजस्ट करना है तो हमें भी ये टी वाली चाबी चाहिए क्या? बिना उसके नहीं होगा, सिंपल चाबी होती है वो, तो यूँ ही घूमेगा। पीछे से भी टाइट करें लगाने के बाद जो है, तो ये स्टेप भी आपने ध्यान रखना है कि जहाँ पर आपने टीवी रखना है तो ऐसे हमारा सेट। तो ये हमारा जो है एंगल एडजस्ट हो, ये जो हमारा ये वॉल माउंटिंग स्टैंड लगाने के बाद जो ये हमारा टेबल माउंटिंग स्टैंड है, तो इसको भी हम हटा रहे हैं। तो सिंपल है तरीका, जो जैसे हमने सिखाया था 4 स्क्रू या 3 स्क्रू होंगे इसके, तो वो खोल रहे हैं। थोड़ा सा हमें अजीब सा लग रहा है, तो ये हमारा वॉल माउंटिंग स्टैंड भी हट गया, और ये स्क्रू जो है वापस इसमें लगा देंगे, ताकि अगर भविष्य में हमें मतलब स्टैंड टेबल पे रखना हो तो वापस। तो फ्रेंड्स ये आप दूसरे वाला वॉल माउंटिंग स्टैंड देख सकते हैं। तो इसमें जो है यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्टमेंट के लिए एक प्रकार का व्हील दिया गया है, पहिया दिया गया है आप कह सकते हैं, तो ये उससे थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर है। ये देखिए बड़ी स्मूथली ये मूव कर रहा है, डिज़ाइन लगभग बराबर है, और ये हमारा जो टीवी है 22 इंची है, और जो हमने ऊपर टीवी लगाया था आपको जो दिखाया था वो एक्चुअल में 24 इंच था। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि ये जो है प्रॉपर आपको एंगल मिलता है, मतलब आप बहुत अच्छी तरह से टीवी देख सकते हैं, आपको जब बिल्कुल प्रॉपर दिखेगा और आपकी आंखों पर किसी प्रकार का स्ट्रेस नहीं आएगा। इस वीडियो को आप जरूर लाइक कीजिए, कोई डाउट आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।
फ्रेंड्स, हम वीडियो के नीचे जो है अपने अमेज़ॉन पे स्टोर का लिंक डाल देंगे, आप वहां पर अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स को जो है खरीद सकते हैं। हर प्रोडक्ट की हमने कैटेगरी बना रखी है। अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर सकते हैं। तो ये हमारा जो चैनल है सुखदेव तनेजा, इसके नीचे आप रेड सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसको आपने जस्ट टच करना है तो ये हमारा चैनल सब्सक्राइब हो गया। अगर आप हमारी लेटेस्ट वीडियो का अपडेट चाहते हैं अपने मोबाइल या टेबलेट पे, तो ये बेल वाला आइकन है, इसको आपने टच करना है तो आप जो है सारे नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे या टेबलेट पे आएंगे।